क्या करें जब रूट के नाल वाले दांत में दर्द होना शुरू हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों रूट के नाल में दर्द होता है एंड क्या करें जब आपने रूट के नाल कहीं से कराया हो एंड उसके बाद आपको दर्द शुरू होता हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हर हफ्ते में एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप लोगों के कमेंट्स होते हैं और मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है रिलेटेड एनी डेंटल प्रॉब्लम तो आप मुझे मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं एंड मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं कि रूट किनाल में होता क्या है। ठीक है, आप इस फोटो में देख रहे हो कि दांत के अंदर नसें होती है, हर एक दांत में नसें होती है। अगर इन्फेक्शन कभी नसों तक पहुंच जाता है तो उस टाइम पेशेंट को दर्द महसूस होता है, तो उस टाइम डेंटिस्ट पेशेंट को कहते हैं कि रूट कैनाल करा लीजिए। तो रूट कैनाल में वो जो इन्फेक्शन होता है वो हम रिमूव कर देते हैं एंड उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। लेकिन अगर रूट कैनाल के बाद आपको दर्द हो तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि दर्द क्यों होता है। अगर आपने ऑलरेडी रिमूव कर दिया इन्फेक्शन तो उसमें दर्द क्यों होता है, तो उसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि अगर दोबारा से इन्फेक्शन ग्रो हो गया, अगर कैनाल्स यानी कि जो अंदर की नसें होती है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुई हो, फर्स्ट टाइम जो रूट कैनाल कराया हो उस टाइम पे अगर प्रॉपरली ढंग से क्लीन नहीं हुआ हो तो वो इन्फेक्शन दोबारा रीग्रो कर सकता है। दूसरा जो रीजन होता है, अगर दांतों में कहीं से लीकेज हो, यानी कि अगर आपने क्राउन लगाया है या फिर क्राउन नहीं लगाया तो वहां से लीकेज हो, साइड से लीकेज हो गया एंड वो दोबारा इन्फेक्शन आप ग्रो कर गया हो तो वहां पे पेन स्टार्ट हो सकता है। ये बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि आपके जो रूट कैनाल वाले दांत में है उसमें ही आपको दर्द है, क्योंकि जो डेंटल पेन होता है वो रिफर्ड होता है, मीन्स आपका एक दांत से दूसरे दांत में आपको दर्द महसूस होता है। तो ये कैसे पता करें कि आपका उसी दांत में प्रॉब्लम है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। एक तो हमारा होता है कि डेंटिस्ट के पास जाके आप उस दांत का एक्सरे करवा लीजिए, एक्सरे में पूरा क्लियर हो जाता है कि किस दांत में प्रॉब्लम है। उसे कैसे पता कर सकते हैं कि आपका उसी दांत में पेन है, आपको हल्का सा कॉटन या कुछ भी चीज उस दांत से प्रेस करनी है। अगर आपको प्रेस करते वक्त दर्द महसूस होता है तो मान लीजिए पॉसिबिलिटी है कि उसी दांत की वजह से आपको पेन हो रहा है। तो अब क्या करें, मेडिकली अगर हम देखें आपका कंफर्म हो गया है कि उसी दांत में आपको पेन है जिसमें आपने रूट कैनाल कराया था, ये स्वेलिंग है, तो उसका री रूट कैनाल किया जाता है। री रूट कैनाल मीन्स दोबारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि जो प्रोसीजर आपका हुआ था वो दोबारा से करना पड़ेगा। वो जो फिलिंग्स डाली थी, फिलिंग मटेरियल डाला था, वो दोबारा से उन फिलिंग मटेरियल को पहले निकालना पड़ेगा एंड दोबारा से नया मटेरियल उसमें डालना पड़ेगा, दोबारा से कैनाल्स को क्लीन करना पड़ेगा। तो ये री रूट कैनाल का प्रोसीजर होता है। इसमें कितना टाइम लगता है, कई बार कमेंट आते हैं कि डॉक्टर कितने टाइम में हो जाएगा। सी जनरली मैं प्रीफर करती हूँ री रूट कैनाल ट्रीटमेंट मल्टीपल सिटिंग करने में, क्योंकि सिंगल सिटिंग में इतने अच्छे से नहीं हो पाता है री रूट कैनाल ट्रीटमेंट, बट मल्टीपल सिटिंग यानी कि दो या तीन बार अगर हम करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। बट अब इसका खर्चा कितना आता है, सी खर्चा इसका हर क्लिनिक में अलग अलग रेट है, बट 5000, 6000 या 4000 में भी आपका री रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्लिनिक की लोकेशन एंड क्लिनिशियन पे। बहुत बार कमेंट आते हैं मुझे कि मैम री रूट कैनाल सक्सेस है कि नहीं है। सी मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि री रूट कैनाल के बहुत अच्छे सक्सेस रेट होते हैं। अगर किसी अच्छे डॉक्टर से आप कराएं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छे सक्सेस रेट हो जाता है इसका। एंड मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ कि बिफोर गोइंग फॉर एनी एक्सट्रक्शन, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इससे अच्छा मैं दांत ही निकाल देता हूँ, उससे अच्छा है कि आप उसको एक बार दोबारा से बचाने की कोशिश कर सकते हैं एंड री रूट कैनाल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।